हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। गाइस, तो फाइनली मेरा एक और स्टूडेंट सिंगापुर में आ चुका है, आ गए हैं फाइनली। वो सिंगापुर में है, अच्छे से आ चुके हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया के एयरपोर्ट पे, सिंगापुर के एयरपोर्ट पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सेफली सिंगापुर में वो आ चुके हैं। आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि जो मेरा स्टूडेंट्स आया है वो कहाँ से बिलोंग करता है इंडिया में, क्या नाम है, कैसे मुझे फाइंड आउट किया, आप सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे राइट नाउ, बिल्कुल फ्री है। कैसे आपको इसी चैनल की तरफ से सिंगापुर की जानकारी मिलती रहेगी। बता दें कि अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर लाइक ज्वाइन फॉलो नहीं किया है, जाकर आप मुझे अभी वहां पर लाइक ज्वाइन फॉलो करें। जो इन तीनों का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, जाकर आप मुझे स्पेशल इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करें। अगर आप मुझसे और मेरे भाई से बात करना चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो मेरा और मेरे भाई का जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा, जाकर आप मुझसे और मेरे भाई से व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, यानी कि मेरी तरफ से आप सबको जानने को मिलेगा बहुत कुछ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो बहुत रिसेंटली ट्रैवलिंग करने वाले हैं सिंगापुर के लिए, तो उन तक ये वीडियो पहुंचे। क्या नाम है, कहां से बिलोंग करते हैं, आप सबको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, फेसबुक। वीडियो शुरू करते दोस्तों। तो गाइज, जैसा कि आप सबको पता है कि एवरी मंथ मेरा कोई ना कोई स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आप सबको पता है मैं वीडियोस यहाँ पे शेयर कर देता हूँ कि यहाँ ये फला नाम का स्टूडेंट इस स्टेट से आया है, इस स्टेट से। जैसा कि आप सबको पता है काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे आ चुके हैं, तो फाइनली एक और स्टूडेंट आ चुका है जिसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो और नाम पता सब कुछ मैं आपको सब बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। और बता दूंगा इसकी ऐसा नहीं कि मैं कोई भी फाइल अप्लाई करता हूँ तो वो वीजा ही उसका आता है। एक्चुअली मेरे दो तीन रिजेक्शन भी आए हुए हैं जिनका मैंने अप्लाई किया था, उनका रिजेक्शन भी आया हुआ, बट मैंने उनको दोबारा से रीअप्लाई कर दिया है इस दूसरे कॉलेज में, तो वेटिंग है, प्रोसेसिंग है। जब भी उनका वीजा आएगा मैं आप सबको इस वीडियो मतलब चैनल की तरफ से बता दूंगा कि हाँ इस बंदे का रिजेक्शन आया था, दोबारा अप्लाई किया, रिजेक्शन आया गाइस। तो ठीक है, ऐसे ही गाइस, क्योंकि आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो, 90% माने कि आपका वीजा जाएगा, 90-99%, क्योंकि सब कुछ जो डिपेंड होता है वो होता है आईसीए के ऊपर, इमिग्रेशन अथॉरिटी चेक पॉइंट के ऊपर होता है, यानी कि आप सबको पता है इमिग्रेशन चेक पॉइंट अथॉरिटीज जो आपको देती वीजा, टूरिस्ट वीजा हो चाहे वो स्टडी वीजा हो, वो देती आईसीए, सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड है, ना ही किसी एजेंट के हाथ में है, ना ही किसी कॉलेज वाले के हाथ में, सब कुछ आईसीए के ऊपर डिपेंड है गाइस। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि कोई बंदा बोले आ जाएगा तो आ जाएगा, एक होता है अनुमान, और हाँ एक होता है कि फाइल देखकर, जैसे मुझे फाइल मिलती है मैं देखता हूँ, हाँ तो बोलता हूँ हाँ भाई इसके चांसेस बहुत ज्यादा है वीजा आने के, तो आ जाते हैं गाइस। जिनकी एज बहुत होती है 40, क्योंकि मुझे मेरे थ्रू भी लोगों ने अप्लाई किया था जिनकी एज थी 35-40, उनमें से एक का वीजा आया था, एक का आ गया था रिजेक्शन गाइस। ठीक है, फाइनल जो भी है आप लोग अप्लाई कर सकते हो, अगर अप्लाई करना है ठीक है, वीजा के चांसेस ठीक है आ रहे हैं, 90% वीजा आ रहे हैं, तो 10% रिजेक्शन भी आ रहे हैं। जैसा नहीं होता कि सारी हाथ की सारी उंगलियां बराबर होती है, आप देख सकते हैं 100 फाइल आएंगी तो 100 फाइल में से अगर इमिग्रेशन यानी कि आईसीए के पास 100 फाइल जाती है तो ऐसा नहीं कि 100 के 100 वीजा आए, 90 भी आ सकते हैं, 95 भी आ सकते हैं, 98 भी आ सकते हैं, 80 भी आ सकते हैं, 85 भी आ सकते हैं वीजा। ठीक है गाइस, तो ये डिपेंड करता है आईसीए के ऊपर, आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलता हूं एक अपने नए वीडियो नए शून की तरफ। बता दो, मैं इनका जो नाम है वो है करीम, ठीक है, करीम फ्रॉम तेलंगाना यानी कि हैदराबाद, हैदराबाद से ये बिलोंग करते हैं। जैसा कि आप सबको पता था कि जो मेरे मिर्जा सोएब जो स्टूडेंट आए थे वो भी हैदराबाद से थे और उनके ये दोस्त है, ठीक है गाइस, उनके ही दोस्त है और ये भी फाइनली आ चुके हैं, हैदराबाद से हैं, करीम नाम है इनका, और इनका जो डिफरेंट कॉलेज है, डिफरेंट कोर्स है, अच्छा है, इनको कोर्स भी अच्छा मिला है, कम पैसे में इनका एडमिशन हुआ था। एक्चुअली जब फीस बढ़ गई थी फिर मैंने बात की तो इनका कम फीस में इनका जो एडमिशन हुआ है, और फाइनली ये सिंगापुर में है। और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मेरे बहुत जल्द ही 3-4 स्टूडेंट और ट्रेवलिंग करने वाले हैं और एक दो का वीजा भी अप्रूव हो चुका है, तो उनकी फीस आते ही वो भी अप्लाई करेंगे। तो ये इस यानी जो आप देख रहे हैं इस स्टूडेंट के बाद मेरे 3 स्टूडेंट और आने वाले हैं, आपको इस चैनल की तरफ से वीडियोस मिल जाएगी। अच्छा टाइम है अप्लाई करने का, कम फीस में भी अप्लाई कर सकते हैं और मनचाहा कोर्स भी चूज कर सकते हैं, मेरे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप अगर चाहते हो इंटरेस्टेड हो तो मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, मैं आपको वहां पे सब शेयर करूंगा, आप अप्लाई कर सकते हो इंडिया में बैठकर, आपका भाई यहां पर हेल्प करेगा, जैसे आपको पता है कि मैं सबकी हेल्प करता हूं। तो सबसे पहले लेकर चलता हूं आपको वीडियो की तरफ, जो ये बंदा है कहां से बिलोंग करता है, अब क्या है आपको बताएगा इस वीडियो में, तो मैं चलता हूं पहले वीडियो की तरफ और वीडियो मेरे स्क्रीन के ऊपर ये रही। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम करीम है,
मैं हैदराबाद इंडिया से बिलोंग करता हूँ। मैं कई दिनों से अब्रॉड के लिए ट्राई कर रहा था यूट्यूब पर, फिर मैंने देखा रियासत भाई को, उनके पूरे सारे वीडियोस देखे, फिर उनसे कांटेक्ट किया, ऑफर लेटर से लेके वीज़ा तक वो मुझे हर चीज़ गाइड किए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा आ चुका है, फाइनली मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ सिंगापुर के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गया एयरपोर्ट को अभी सिंगापुर, इमिग्रेशन वो सब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये वीडियो मैं रियासत भाई के लिए बना रहा हूँ। रियासत भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप किसी को भी अगर वीज़ा के लिए डालना है सिंगापुर के लिए, तो आप रियासत भाई से पूछे, रियासत भाई से मिलिए, रियासत भाई के थ्रू कराइए। पूरा काम जल्दी जल्दी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। रियासत भाई शुक्रिया बहुत बहुत आपका। तो आप लोगों ने देखा करीम जो कि हैदराबाद तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने वीडियो बनाई जो फ्लाई करने से पहले, उसके बाद फ्लाइट की, एयरपोर्ट की, फिर वो जब सिंगापुर पहुंच गए उसके बाद। तो ये वीडियोस थी गाइस, और मैं आपको बता दूं कि मैं इनको लेने नहीं गया था एयरपोर्ट पे। अब आप सोच रहे होंगे क्या बात है यार, रसद भाई तो हर अपने स्टूडेंट को लेने जाते हैं, ऐसा क्या वो लेने क्यों नहीं गए, वीटीएल के थ्रू आए थे। तो बता दूं गाइस कि उस दौरान थोड़ी मेरी तबीयत भी खराब थी, और बता दूं कि जो मिर्जा थे वो वापस इंडिया गए हुए थे। वो आए थे अपना सब कुछ कर यानी कि मेडिकल कर स्टूडेंट पास लेने के बाद, वो स्टूडेंट पास मिलने के दो दिन के बाद वो फ्लाई करके थे इंडिया, ठीक है। और इंडिया जाने के बाद जो ये करीम है, ये इनके पड़ोसी थे, दोस्त थे, भाई थे, एज ए पड़ोस में रहते थे, तो ये साथ में लेकर आए थे। तो मैंने कहा था ठीक है मैं आऊँगा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं जा नहीं पाया था। फिर भी मैंने सारा काम किया था इनका कि कोई भी दिक्कत हो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। तो फाइनली ये अच्छे से जहाँ पे ये रहते थे मिर्जा, वहीं पे इनको लेके चले गए थे, और मैं मिला भी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। और मिर्जा तो मिलता रहता हूँ, आपको पता है यार, वो मुझे फोन करता रहता है, मैं लाइक है यार उसके साथ वो फोन ऑन करता रहता है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा जब मैं उसको कॉलेज भी गया था। और करीम से भी अच्छा है, तो बस मैं इसको लेने नहीं गया था एयरपोर्ट पे क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मेरी तबीयत खराब थी, और ये वीडियो के थ्रू आया था। तो मैंने कहा मिर्जा तुम आ रहे हो, इसको लेकर चला जाना, कोई भी दिक्कत हो मुझे कॉल करना, अगर डॉलर्स की प्रॉब्लम पड़ रही है, टैक्सी फेयर की, कुछ भी प्रॉब्लम मुझे कॉल करना, आई विल सेटल फ्रॉम हियर, क्योंकि यहाँ पे सब स्मार्ट कंट्री है, फास्ट कंट्री है, थोड़ा सा आप घर बैठे भी पे कर सकते हैं हर चीज का पेमेंट, ठीक है गाइस। तो मैंने बताया ऐसा, बोला कि ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम करें, मैं लेके चलाता हूँ। मैं ठीक है, अब तो पता था इसको, मैंने घुमाया टहला था। तो ये था एक्चुअली मिर्जा था, तो वो था, अगर मिर्जा ना होता तो भाई आपका जाता लेने, ऐसा नहीं है क्योंकि तभी थोड़ी तबीयत मेरी खराब थी। मैंने कहा मिर्जा आप लेके चले जाना इसको अपने रूम पे, मैं मिलता हूँ एक दो दिन के बाद जब मैं फिट अच्छे से फिट हो जाऊंगा, थोड़ा फील बेटर करने लगूंगा तब। और उन्होंने कुछ मेरे लिए लेके भी आए थे, तो थैंक यू सो मच करीम और मिर्जा, आप दोनों मेरे लिए कुछ लेकर आए थे फ्रॉम हैदराबाद से, होममेड थिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी चीज़ थी। थैंक यू सो मच करीम और थैंक यू सो मच मिर्जा। तो गाइस यही था, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत सारे अजीब क्वेश्चंस पूछ रहे हो एयरपोर्ट पे या कहीं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर अच्छे से होने चाहिए, फ्रॉम पासपोर्ट से लेकर वैक्सीन सर्टिफिकेट में जितने भी सर्टिफिकेट आते हैं सब होने चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था कि ये सर्टिफिकेट कैरी कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई, चाहे वो इंडिया का कोई भी एयरपोर्ट हो वहाँ पे दिक्कत नहीं हुई, और सिंगापुर का कोई एयरपोर्ट हो तो यहाँ पे भी दिक्कत नहीं हुई है, बट डॉक्यूमेंटेशन अच्छे होने चाहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी रोकेगा नहीं। और मैं आपको बता दूं जो फाइनली जो अब स्टूडेंट सिंगापुर में आ रहा है उनका एयरपोर्ट पे स्वैब टेस्ट नहीं हो रहा है, जिस दिन आप यहाँ पर लैंड करेंगे उससे विद इन 24 आवर के अंदर आपको एक एआरटी किट बाइसल खरीदनी पड़ेगी, जिसका प्राइस 5 रुपए भी है, 6 रुपए भी। अब वो कितने खरीदनी पड़ेंगे आपको डिसाइड करता है, वो आप बाई कर एआरटी किट खुद स्वैब टेस्ट करेंगे, स्वैब टेस्ट करने के बाद आपको वो लिंक होगा उस पर अपडेट करना है कि हाँ आई एम नेगेटिव, फिनिश दैट्स इट। अब ये नहीं कि आपको एयरपोर्ट पे कोई स्वैब टेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। वीटीएल की एंट्री अप्रूवल ले लें फ्री में, कोई ऐसी बात नहीं है, आप लोग वीटीएल की एंट्री अप्रूवल लें आसानी, क्योंकि आपको कोई भी एयरपोर्ट पे दिक्कत ना हो यार, क्योंकि इंडिया से फ्लाई कर रहे हो, अगर इंडियन इमिग्रेशन वाले किसी भी ऑफिसर का माइंड अच्छा नहीं है तो आपको निकाल सकते। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करें तब उसके बाद फ्लाई करें। तो फाइनली ये अच्छा है और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तबीयत ठीक होती मैं जाता करीम को लेने। तो मिर्जा आ रहे थे, कोई भी हो यार, अगर मैं
मैं इंडिया गया हूँ और मेरे साथ कोई स्टूडेंट्स आ रहा है कोई दूसरा, तो मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, मैं उसको खुद लेके आऊंगा। अगर जैसे अभी जो फिलहाल मेरा जो भी स्टूडेंट्स आने वाला है, कल फ्लाइट है, कल फ्लाई करेगा वो और परसों सिंगापुर आएगा, तो मैं उसको लेने जाऊँ। उसको पहली बार आ रहा है, अननोन है, किसी को नहीं पता। जैसे कि मेरे पिछले स्टूडेंट्स आ रहे थे, किसी को कुछ नहीं पता था कि कैसे क्या करना है, कहाँ जाना है, तो उनको मैं लेने जाता था। अभी मिर्जा क्या था कि मिर्जा को मैंने टहलाया घुमाया था, बताया था सब। तो फिर मिर्जा जब कहते वापस आते समय उन्होंने टैक्सी की, मैंने सब बताया कि ये टैक्सी कर लेना, वहाँ पे बाहर मिलती है, क्योंकि मैं जब गया था लेने उनको सब पता था कि ये रास्ता वगैरह है, तो वहां से ये करीम को लेकर चले गए। दैट्स इट, यही था। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी नेगेटिव थिंग सोचने की दिक्कत नहीं गाइस, ठीक है। अब जो मेरे स्टूडेंट्स आएंगे उनको मैं लेने जाऊंगा, अगर अच्छा रहा तो गाइस, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था कि मेरा फाइनली एक और स्टूडेंट आ चुका है और ऐसे आते रहेंगे। और आप लोगों के लिए मैसेज ये गाइस कि अगर आप लोगों को अप्लाई करना है तो प्लीज अप्लाई करें फर्स्ट और जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। अच्छा मौका है, अच्छा टाइम है, वीजा के चांसेस बहुत हाई है, कॉलेजों में फीस अभी बहुत सारे कॉलेजों में फीस कम है, तो बढ़ने का वेट ना करें, क्योंकि ऑलरेडी कुछ कॉलेजों में की फीस वो बढ़ चुकी है, बराबर हो गई, नॉर्मल हो गई है, क्योंकि अब बहुत कुछ नहीं है, जैसे कि स्वैप टेस्ट नहीं है, क्वारंटीन की फीस नहीं है। अगर आप वीटीएल के थ्रू आते हैं, नॉन वीटीएल के थ्रू आएंगे तो आपको 5 से 7 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा और जो भी होगा वो रिक्वायरमेंट्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी नॉन वीटीएल के थ्रू। वीटीएल के थ्रू कोई क्वारंटीन नहीं है, कोई स्वैप टेस्ट नहीं है। आप जाकर किसी भी शॉप से एक एयर टिकट बाई कर लें, 5-6 रुपए के डॉलर की मिलती है, उसके बाद करें और अपडेट करें। दैट्स इट गाइज, यही है, बहुत आसान है गाइज। अब तो लगता है कि धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। तो जैसे पहले हम आते थे ना, बस पासपोर्ट, वीजा और डॉक्यूमेंट्स, कैरी फ्रीज, कोई चिकर नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे भी होने वाला है धीरे धीरे। आप लोग दुआ करो कि ऐसा हो जाए तो आप लोगों के लिए भी कोई बड़ी दिक्कत ना हो। अच्छा टाइम है, अप्लाई करें, किसी के भी थ्रू अप्लाई करना है, मेरे थ्रू अप्लाई करना है, एजेंट के थ्रू अप्लाई करना है, आपको बस हेल्प मिलनी चाहिए, चाहे जहां भी हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही। अगर इस वीडियो में मैं कुछ बताना भूल गया हूं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा वहां पे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो बहुत जल्दी फ्लाई करने वाले हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।